हे फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बज चुके हैं तो मैंने सोचा कि आज के दिन की शुरुआत जो है वो चाय के साथ करते हैं। तो चलिए, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि आज मेरे घर पर एक छोटी सी गेट टुगेदर है। सो मैंने 3 चीज़ें डिसाइड की हैं फाइनली, 2 नमकीन और 1 मीठा। तो मीठे में आई हैव डिसाइडेड कि मैं चॉकलेट पुडिंग बनाऊंगी, और नमकीन में मैंने सोचा है कि मैं बनाने वाली हूँ पास्ता, मिक्स सॉस पास्ता, जो कि ठीक ठाक सा बना लेती हूँ। तो इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि मुझे आई शुड गो फॉर दिस। एंड सेकेंड चीज़ जो मैंने सोची है बनाने की वो है दही बड़ा और चाट पापड़ी, राइट? तो दही मीठा मैंने रात को ही जमा कर रख लिया है, वो तैयार हो चुका है। काफ़ी तैयारी रात को ही कर चुकी हूँ, जैसे कि पास्ता बॉयल कर लिया, दही बड़ों के लिए जो दाल चाहिए थी वो भी जो है वो मैंने पहले से ही बनाकर पीस कर फ्रिज में रख दी है। अब सिर्फ बड़ों को मुझे फ्राई करना है, और जो है केक पुडिंग बनाने के लिए तो केक भी मैं रात को ही बनाकर मैंने रख दिया था, ताकि वो सुबह तक अच्छे से सेट हो जाए और उसकी लेयर्स मुझे काटने में मुश्किल ना हो। तो चलिए चाय पीते हैं, और साथ साथ में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या तैयारी की है। ये देखिए, ये डाल दी चाय, पीते हैं और साथ साथ में बातें भी करते हैं। सो आई हैव फिनिश्ड माई टी, अब एनर्जी आ गई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या तैयारी की है। सो पार्टी के लिए जो है क्रॉकरी मैंने निकाल के रख दी है, आप देख सकते हैं, टिश्यूज, कैसेरोल्स एंड वट एवर वी नीड टू रिक्वायर। और हॉल, ओ सॉरी, मैं आपको बताना भूलगी, मंदिर को भी मैंने अच्छे से जगन्नाथ जी को ड्रेसअप कर दिया है, और मैंने लड्डू गोपाल को भी बहुत अच्छे से ड्रेसअप कर, बहुत अच्छे से तो नहीं जितना कि मैं करती हूँ, क्योंकि साहिल बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। तो जगन्नाथ जी और लड्डू गोपाल भी तैयार हो चुके हैं, और हॉल भी मैंने काफ़ी हद तक सेट कर दिया है, और मुझे लगता है कि सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी हद तक सफिशेंट है। तो इतना काम मैं कर चुकी हूँ अब सुबह से, यू कैन सी। स्टूल्स मोड़े रखे हैं बैठने के लिए, 2 चेयर्स इधर हैं, 2 इधर हैं, सोफ़ा है, बहुत बड़ा सोफ़ा तो नहीं है, बट चलिए काम चल जाएगा, यू कैन सी। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और बाकी का पेंडिंग पड़ा काम उसको कंप्लीट करते हैं। तो मैंने अब दोनों तरफ जो है अपनी कढ़ाइयाँ रख दी हैं, एक तरफ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया जिसमें मैं अपने बड़े तलूंगी, और दूसरी तरफ जो हूँ मैंने पास्ता के लिए बड़ी कढ़ाई रखी है, और उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा बटर, ताकि बटर जले ना, वो रख दिया है। उसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर दिया है, और अब मैं वेजिटेबल्स को सौते करूँगी और पास्ता और वेजिटेबल्स को मिक्स करके रख दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपना काफ़ी काम रात को ही कर लिया था, तो मैंने पास्ता की वेजिटेबल्स पहले ही रात को काट कर रख ली थी। सिर्फ प्याज ही हैं जो मैंने सुबह काटे थे, क्योंकि वो नहीं तो पूरे फ्रिज में स्मेल हो जाती है, और मुझे प्याज पहले से काट कर रखना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर सौते करके मैंने इसमें ब्रोकली डाली है, ब्रोकली को पहले डाल रही हूँ, ताकि थोड़ी सी सख्त होती है तो जल्दी से गल जाएगी। आई एम एडिंग ऑल द वेजिटेबल्स, आई हैव टेकन रेड, येलो एंड ग्रीन कैप्सिकम, मशरूम्स, अनियंस, ब्रोकली एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वीट कॉर्न्स। तो बहुत ही रेनबो टाइप पास्ता बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा नमक ऐड किया है, वेजिटेबल्स को सौते करके इसके अंदर पास्ता मिक्स कर लूँगी। तो वेजिटेबल्स अब थोड़ी सी क्रंची हो गई हैं, बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है। अब थोड़े से कॉर्न्स डालूँगी इसके अंदर, और अब मैं इसके अंदर पास्ता मिक्स कर दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास्ता भी मैंने रात को ही बॉयल करके उसकी ग्रीसिंग करके उसको फ्रिज में रख दिया था, और अब मैं इसे वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी। और मैंने मिक्स सॉस पास्ता बनाना है, तो मैंने पहले से ही जो है मिक्स सॉस बना के रख दी है, और मैं उसको पार्टी शुरू होने के बाद ही ऐड करूँगी। तो इसलिए वेजिटेबल्स और पास्ता को मैंने सौते करके रख लिया है अब। तो पास्ता मेरा तैयार है, सिर्फ इसमें मुझे अब सॉस ही ऐड करनी है। तो अब दूसरी तरफ घी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, ये देखिए,
तो चलिए अब बड़े फटाफट से तल लेते हैं। दाल मैंने रात को ही पीस ली थी। साथ में ही मैं इनको पानी में डालती रहूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और नाउ इट्स टाइम फॉर स्वीट डिश। चॉकलेट गनाश तैयार किया है और उसको पाइपिंग बैग के अंदर डाल के अब मैं उसको डेकोरेट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केक भी मैंने रात को ही बना लिया था, उसकी लेयरिंग जो है वो मैंने सुबह कर ली है विद कस्टर्ड, ठीक है। और एक एक लेयर केक की है और एक एक लेयर जो है वो कस्टर्ड की है। और नाउ ऑन द टॉप जो है आई एम डेकोरेटिंग इट विद चॉकलेट गनाश। तो स्वीट डिश भी बन गई है, टैप टैप, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। नाउ इट्स टाइम फॉर सम डेकोरेशंस। तो थोड़े से स्प्रिंकलर्स जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। सम मोर, मैंने बिल्कुल टेस्ट नहीं किया है, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि ये बनने में कैसी है। तो देखते हैं सबको पसंद आती है कि नहीं आती है। थोड़े से और टॉपिंग्स, तो चलिए चॉकलेट पुडिंग भी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको फ्रिज में सारा काम हो चुका है, सारी चीज़ें बन चुकी हैं, सेट हो चुकी हैं और अब 4 भी बज चुके हैं और मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। और तब तक आप इंजॉय कीजिए पार्टी के ग्लिम्पसेस। टिल देन बाय बाय।